अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह के फजल करम और रहमत के साथ और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते स्टार्ट। तो आज फाइनली दोस्तों मैं चिड़ियाघर पहुंच चुका हूं लाहौर ज़ू के अंदर। ये 7-8 महीने बंद रहा है, उसके बाद ओपन हुआ है। इसके अंदर क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं ये सब कुछ आपको दिखाऊंगा। पीके ब्लॉग्स मुनीब को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें। चले वीडियो की तरफ। तो ये देखें जी, रेड कलर के तोते देख सकते हैं कितने खूबसूरत और कमाल के हैं ये। इस इनके जो कमरे वगैरह थे पहले नहीं थे, लेकिन अब बना दिए गए हैं और इनके जो शीशा लगा दिया गया बाहर, आप इंजॉय कर सकते हैं। बेहतरीन लुक दे दी गई है लाहौर ज़ू को, लाहौर चिड़ियाघर को। पीके ब्लॉग्स मुनीब को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ बेल को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट लाजमी से किया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा ये देखें जी, ये वाले तोते पहले चिड़ियाघर के अंदर इस तरह के जानवर और परिंदे आपको कभी भी देखने को नहीं मिले होंगे, जो अब आ चुके हैं। टिकट आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताई है कि 100 रुपये, ठीक है, और मंडे वाले दिन लाहौर ज़ू जो है ऑफ होता है। इसके अलावा जी ये देख सकते हैं ब्लैक कलर के न्यू जानवर देख सकते हैं, ये जो है मुर्गी टाइप जो है ना ये जानवर हैं। और जंगले इनके बाहर बहुत बड़े बड़े लगाए गए हैं और इनकी हवा के लिए, इनकी जो ना ठंडक के लिए बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया गया। इसके अलावा आपको जो है पाँव से चलने वाली कश्ती यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन उसका अभी जो है झील वगैरह उसकी जो है वो अभी उन्होंने रेडी नहीं की, उसके अंदर पानी वगैरह खड़ा हुआ है, ख़राब पानी है। ये अभी जो इसका जो है ना प्रोसेस जारी है, अभी लाहौर ज़ू के अंदर काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह जो है 1 महीने के अंदर अंदर इसे फाइनली फुल कंप्लीट कर दिया जाएगा। जो चीज़ें अभी नहीं रहती चली वो भी चल जाएंगी, हर एक चीज़ मिलेगी। इसके अलावा नए जानवर भी इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ज़राफ़ा, ज़राफ़े को बच्चे देख कर बहुत खुश होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक कमेंट लाजमी से करें, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँगा और अच्छी से अच्छी जगह आपको दिखाऊँगा। तो आपको मेरे चैनल पर ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। इसके अलावा ये देखें जी, ज़राफ़ा कितना बड़ी गर्दन है इसकी और कितना खूबसूरत है, ज़राफ़े का घर बना दिया गया देख सकते हैं। और मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, आप बताएं आप इंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और मेरी वीडियो के अंदर अगर आपको कोई कमी पेशी है तो आप कमेंट में लाजमी से बताएँ, मैं अपनी उसी गलती को लाजमी से सुधारूँगा, ठीक करूँगा, ताकि आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगे और अच्छी भी लगे। इसके अलावा जी ये देख सकते हैं सामने वेलकम ज़ू लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं वेलकम ज़ू। इसके अलावा और बहुत कुछ है, आपने वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। ज़राफ़ा देख लिया आपने, इसके साइडों पे जो जंगला है ये पहले भी था, इसके अलावा कोई भी तब्दीली नहीं है। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अभी जो स्नेक, जो सांप का घर था वो बंद है, उसके अंदर अभी जो है ना काम जारी है, ठीक है। वो स्नेक हाउस जो है बंद है, आपको दिखाता हूँ, उसका जो दरवाज़ा जो लॉक किया हुआ है बंद है टोटल, ये देख सकते हैं। जो सांप घर है वो बंद है। इसके अलावा आपको यहाँ पर हरन देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये जो ना इन्होंने जंगला लगाया हुआ है, काफ़ी मज़बूत, आप बिल्कुल नज़दीक जाके जो ना इसको देख सकते हैं। ये देख सकते हैं जी स्नेक हाउस बिल्कुल बंद है, क्रॉस ताला लगा हुआ है। इसके अलावा जी ये देख सकते हैं जी हरन। इसके अलावा यहाँ पर बारहसिंगा भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लाहौर ज़ू के अंदर अब आपको मारखोर भी देखने को मिलेगा। कुछ जानवर अभी नहीं आए, लेकिन मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्द ही लाहौर ज़ू के अंदर आ जाएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। ये देखें जी घास वगैरह भी इनके लिए, इनका माहौल बहुत ही साफ़ सुथरा। लाहौर ज़ू पहले से कई गुना तब्दील हो चुका है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। इसके अलावा जी ये देखें शेर जो आप बाहर से देखते थे, इसके ये देखें जी शीशा लगा दिया गया है, यहाँ से आप बिल्कुल ईजी होकर, टेंशन फ्री होकर आप शेर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या इसके अंदर तब्दीलियाँ की गई हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा यहाँ से आप खड़े होकर इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप अंदर भी जाके, ये सामने जो आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं ये पहले नहीं थे, ये अब उन्होंने बना दिया, यहाँ से भी आप जाकर शेर को बिल्कुल नज़दीक से देख सकेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी से सब्सक्राइब करें, कमेंट लाजमी से करें। ऊपर से आप देख सकते हैं दरख्त वगैरह भी हरे भरे हैं, और अंदर से आपको चल के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं बड़े बड़े शीशे आपको नज़र आ रहे हैं, तो नीचे टैफ्टर लगाई हुई है ये देखें। इसके अलावा दूसरी साइड पे भी ये बड़े बड़े शीशे और जंगला लगा दिया गया है, यहाँ से आप खड़े होकर बिल्कुल इजी से आप शेर को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर शेर आपको चलता फिरता जो है ना चहल कदमी करता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा नीचे देख सकते हैं बहुत बड़ा उन्होंने बनाया, नीचे से भी गुजरेगा, आप सेल्फ़ी भी ले सकते हैं, वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, और शेर को बिल्कुल बच्चे जो है नज़दीक से देखें। इसके अलावा ये देखें जी चारों तरफ जो है हरियाली ही हरियाली है, ठीक है।
अंदर से आपको चढ़ के दिखाता हूँ। ऊपर से ये देख सकते इसकी छत वगैरह इस तरह की बनाई गई है। इसके अलावा इसके अंदर सीढ़ियाँ वगैरह ये देखिए बड़े बड़े शीशे लगा दिए गए हैं, मज़बूत शीशा लगाया गया है। आपको किसी किस्म का कोई नुकसान या किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की आप ज़रूरत नहीं है। ये लाहौर ज़ू के अंदर पहले नहीं थे, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली की गई है। ये देख सकते हैं दोनों साइडों पे बड़े बड़े हाई ग्लास जो है ना मोटे शीशे लगाए गए हैं। किसी किस्म का कोई टूटने का टेंशन नहीं। अगर शेर कोई मस्ती वगैरह करता भी है, कोई पाँव मारता भी है, तो शीशे ये टूटने वाले नहीं हैं, मज़बूत शीशे लगाए गए हैं। इसके अलावा आप छांव के नीचे देख खड़े होके शेर को देख सकेंगे, सेल्फ़ी ले सकेंगे। ये देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बनाई है, ये लाहौर ज़ू के अंदर पहले बिल्कुल नहीं थी लेकिन अब आ चुकी है। इसके अलावा ये देखिए जी सामने शेर बैठा हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए वो छांव में कमरे के अंदर बैठा हुआ है। इसके अलावा चीता भी यहाँ पर मौजूद है, शेरनी भी मौजूद है, ब्लैक पैंथर भी लाहौर ज़ू के अंदर अब आपको देखने को मिलेगा, मारखोर देखने को मिलेगा, शुतर मुर्ग, इसके अलावा मोर, इसके अलावा मुर्गे, कबूतर, इसके अलावा हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों व्यूवर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दे, आपके सपोर्ट की आपके भाई को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। आप सपोर्ट करेंगे तो मैं नेक्स्ट जो है ना और नई नई जगह पर जा सकूँगा। तो आपने देखा जी जैसे ये शेर का घर बना दिया गया है, यहाँ अंदर आप खड़े होके बिल्कुल जो है ना आप शेर को नज़दीक से देख सकेंगे। इसके अलावा और क्या क्या तब्दीलियाँ की गई वो भी आपको दिखाता हूँ। वीडियो को छोड़कर आपने नहीं जाना, लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर दें। और बिल्कुल सामने ये देखें जी, बिल्कुल सामने यहाँ से आपको शेर, शेरनी, चीता ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं ये जंगले वगैरह ये पुराने ही हैं, इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं गई लेकिन एयर कूलर वगैरह लगा देंगे। ये देखिए जी शेर, चीता, यहाँ पर आपको शेरनी वगैरह देखने को मिल जाएंगी। तो इसके अलावा जो है और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं जी शेर, चीता, टाइगर, ये आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को आप मिल जाएगा। इसके पाँव के अंदर ज़ख़म है जी। तो इसके अलावा जी ये देख सकते हैं, इसका भी नाम नहीं पता लेकिन इसे बारह सिंगा बोलते हैं जी, बारह सिंगा, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ। अगर आपको पता है तो कमेंट में लाजमी से बताएं। देखें जी कितना खूबसूरत जानवर है, और खुली जगह इनके लिए बनाई गई है, चारों साइडों पे जंगले लगा दिए गए हैं। देखें इनके लिए घास काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन, ये देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भालू आपको देखने को मिलेंगे। मैं पिछली दफ़ा मैंने विज़िट किया तो मुझे ये भालू नज़र नहीं आए लेकिन अब यहाँ पर आपको भालू भी देखने को मिलेंगे। ये पहले भी थे लेकिन अब भी मौजूद हैं। इनके चारों तरफ जो जंगले वगैरह हैं वो पहले की तरह हैं लेकिन इनका पानी साफ़ सुथरा, बेहतरीन माहौल बनाया गया है, हाई लेवल इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक लाहौर ज़ू को चेंज किया गया। मुझे बहुत खुशी हुई है कि लाहौर ज़ू को अपडेट किया गया। ये देखिए जी भालू, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी के अंदर बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने आपको काफ़ी कुछ दिखाया है, ये इनका घर वगैरह अभी बना दिया गया है, देख सकते हैं। तो इंजॉय कर रहे हैं, घास वगैरह काफ़ी लगी हुई है। इसके अलावा जी आपको बंदर के जो बच्चे हैं वो भी देखने को लाहौर ज़ू के अंदर मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं, छोटे छोटे बच्चे ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बड़े बंदर जो हैं, बड़े मंकी, वो भी आपको देखने मिल जाएंगे। वो लैदा पिंजरे के अंदर हैं, लैदा जंगले के अंदर हैं, इनको लैदा रखा गया। ये देख सकते हैं जी चार पाँच बच्चे हैं और मस्ती कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। बच्चे जो हैं इनको देख कर जानवरों को, चरिंद परिंद को बहुत ज़्यादा इंजॉय और खुश होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है आपको अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाऊँ, अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट लाजमी से किया करें। अगर कोई गलती कोताही है तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं। तो अगर आपको कोई गलती महसूस होती है या मेरी वीडियो के अंदर लगती है तो कमेंट में लाजमी से बताएं, मैं गलती जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।